बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबी अमीनुल्लाह अली सलीम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगहों पे अल्लाह पाक की रहमतों में होंगे। मैंने एक वीडियो बनाई थी लिक्विड डिश वॉश की, जिसमें पीएच बैलेंस आपको करके दिखाया था, लेकिन उसमें कुछ आवाज़ का प्रॉब्लम आ गया था। मैंने भी वो वीडियो देखी है तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही, इसलिए मैं आज वही वीडियो दोबारा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आएंगे कि आपकी आवाज़ नहीं है, आवाज़ नहीं है, शेयर कर देंगे, चलें किसी का भला हो जाएगा। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पानी है मेरे पास 1 किलो, इसमें 50 ग्राम मैंने शैम्पू पेस्ट डाला है, गौर से देखते रहिएगा। 1 किलो पानी में 50 ग्राम शैम्पू पेस्ट, ठीक है जी। साथ साथ मैं चीज़ें बताता रहूँगा, इन्ग्रीडियंट्स बताता रहूँगा, नोट करते रहिएगा, ठीक है। इसका भी पीएच बैलेंस करेंगे इंशाल्लाह लजीज, और आपके साथ शेयर करते जाएंगे, ठीक है जी। इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। अच्छा दोस्तों, इसको जितनी देर में मिक्स होता है, मैं आपके साथ कुछ बात करता जाऊँ कि हम लोग हर इतवार को यहाँ पे गोजरा में क्लास देते हैं, जिसने सीखना हो आके सीख सकता है, कोई फीस नहीं है इसकी किसी भी किस्म की। और लाहौर में भी हमने सेटअप शुरू किया हुआ है, लाहौर जिसने सीखना हो। क्या एक मसला है कि वहाँ पे आपको बुकिंग करानी पड़ती है, उसकी भी फ़ीस कोई नहीं है, लेकिन बुकिंग करानी पड़ती है, क्योंकि मुझे स्पेशली यहाँ से जाना पड़ता है वहाँ पे क्लास देने के लिए। वहाँ दोस्त होंगे कोई 5-10, तो फिर मैं जाता हूँ, वैसे नहीं जाया जा सकता। अच्छा जी, और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो है मशीनें भी बनाते हैं, रैपर्स भी तैयार करते हैं, स्टिकर भी बनाते हैं, बोतलें भी सेल करते हैं, रॉ मटेरियल सरफ का, लिक्विड का, हर चीज़ का सेल करते हैं। जिसने लेना हो हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह लजीज आपको उसका वो आपको जो जो चाहिए होगा वो आपको भिजवा दिया करेंगे इंशाल्लाह लजीज। और इसी तरह दोस्तों, एक बात आपसे बड़ी ज़रूरी करनी थी, वीडियो वो देखा करें जो रिकमेंडेड होती है, जो पता हो यार ये बंदा प्रैक्टिकल काम कर रहा है। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, जो देखा देखी किसी की वीडियो देख के चोरी करके उसको बनाना शुरू कर देते हैं या उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, वो इतना नहीं होता। लोगों के पैसे ज़ाया होते हैं, टाइम ज़ाया होता है, और करने से होता है मेरे भाई, करेंगे तो होना है। आजकल जिस तरह मुल्क के हालात हैं, इंतहाई मखदूश किस्म के, इंतहाई परेशान कुन किस्म के हालात हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, हमें, हम सबको। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कामयाब नहीं हो सकते। पानी 1 किलो था, शैम्पू बेस्ट 50 ग्राम डाली है, ठीक है जी। इसको मिक्स कर रहा हूँ, ये सल्फ्यूनिक एसिड भी साथ ही डाल रहा हूँ, ये कुछ 30 ग्राम सल्फ्यूनिक एसिड है, ठीक है। 30 ग्राम सल्फ्यूनिक एसिड मैंने डाल दिया है इसमें, और मिक्स अच्छे से करना है। आपको पता है कि मेरा पूरा जोर, कोई भी चीज़ मैं बना रहा होता हूँ तो मिक्सिंग पे पूरा जोर होता है। जब तक हम इसको प्रॉपर मिक्स नहीं करेंगे, हमारा मकसद हमें हल नहीं हो सकेगा। अच्छा, वो जो पीएच लेवल वाली थी वो मैंने ये बनाया था, ये देखें बेहतरीन है, इसकी थिकनेस भी बेहतरीन है, इसको 7-8 दिन हो गए पड़े हुए, ठीक है जी। और कलर भी बेहतरीन है, ट्रांसपेरेंट है पूरा, और खूबसूरत लग रहा है, ठीक है जी। आप लोग भी बना सकते हैं, कोई ऐसा मंत्र नहीं पढ़ना होता इसमें, किसी भी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, बस मेहनत है, लगन है, और उसके साथ साथ आप इसको देख सकते हैं, कर सकते हैं, अपने लिए करें, अपने दोस्तों के लिए, घर वालों के लिए। यार कारोबार करना कोई मुश्किल नहीं है, अच्छा ये कारोबार करना कोई मुश्किल नहीं है। मसला ये है कि अगर आप कारोबार करते हैं ना जी, तो इसमें मैंने हाथ में माइक पकड़ लिया, ये बंद हो जाता है बार बार, पता नहीं क्या मसला है, इसलिए हाथ में पकड़ा ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो इस वीडियो में। आप अपने मोहल्ले से शुरू कर सकते हैं यार, एक एक दो दो बॉटल से, एक एक दो दो पैकेट से आप अपने मोहल्ले में, अपनी गली में शुरू कर सकते हैं, उनको दें, बेचें, और उसके साथ आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा दुकानों पे चले, मार्केट्स में चले जाएं, इर्द गिर्द चले जाएं, जिधर भी आपने जाना है वहाँ चले जाएं, ठीक है ना। ये तो देखें, हमने जब करना है ना जी, हम किसी का भी तो, कोई सेल्समैन है ना, वो किसी का काम भी तो करता है ना जी। मेरे सेल्समैन है, मेरा काम करते हैं वो, 2-4-5 साल जितनी देर भी मेरे पास रहेंगे मेरे लिए काम करते रहेंगे,
और मुझे ही आगे लेके चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो वो भाई उनका तो कुछ नहीं, उन्होंने तो सैलरी लेनी है ना। अगर आप अपना काम करेंगे तो उससे करेंगे चीज़ें, आज एक बॉटल बिकेगी, कल दो बिकेंगी, फिर चार बिकेंगी, फिर 12 बिकेंगी, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अजीज काम बढ़ता जाएगा। ये देखें, पानी था 1 किलो, उसमें हमने 50 ग्राम शैम्पू पेस्ट डाला है, 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, और इसको मैं मिक्स करी जा रहा हूँ। जब तक ये प्रॉपर मिक्स नहीं होगा, यकजान नहीं होगा, हमारा हदफ जो है वो पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं वीडियो थोड़ी सी रोकनी पड़ी थी ताकि हम लोग इसको मिक्स कर लेते। ये अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स हो गया, ठीक है जी। आप पूछते रहते हैं, मैं बताता रहता हूँ, आप करने वाले बने अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग आपका पूरा पूरा साथ देंगे इंशाल्लाह। जो दोस्त कारोबार करते हैं बड़ी खुशी होती है जी, ठीक है जी। ये तकरीबन मिक्स हो गया है, तो अब इसमें हमने 300 ग्राम कोको बटाइन डालनी है जी, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल वाइट दूधिया शक्ल हो गई है इसकी, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। इसको आपने मिक्स करते रहना है, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ये अपनी शक्ल में वापस आ जाएगा। और ये देखें, ये ऐसा ऐसा वापस आना शुरू हो गया है, ये देखें, ठीक है जी। जब तक ये ट्रांसपेरेंट या वाटर कलर नहीं हो जाता, आपने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ठीक है। जब ये मुकम्मल वाटर शक्ल में आ जाएगा तो फिर आपने ऐड करना है, ठीक है। याद रखिए कि मैंने 1 किलो पानी में 50 ग्राम शैम्पू पेस्ट, 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, 30 ग्राम कोको बटाइन डाला है अभी तक, ठीक है जी। ये देखिए, ये बिल्कुल पानी की शक्ल का हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया बिल्कुल, पहले दूधिया सा हो गया था। अब हम इसमें डालेंगे जी कलर, कलर एक मेरे पास काफ़ी तेज़ कलर है, इसमें एक आधा कतरा ही डालेंगे, ठीक है जी। ये कलर डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे जो खुशबू, माइक चल रहा है, खुशबू भी हमने 2-3 ग्राम डालनी है इसमें, खुशबू डाल दिए जी, ठीक है। अब जो आखिरी मरहले इसके होते हैं वो होते हैं थिक करने के, ठीक है ना जी। इसमें थोड़ी सी हम कास्टिक लही डालेंगे, तकरीबन 3 ग्राम, 2-3 ग्राम कास्टिक लही डालेंगे इसमें, ठीक है जी। ये कास्टिक लही डाली है हमने, अब आपने मेजरमेंट करके डालना है। हमारी तो खैर है, हम लोग तो पंगे लेते रहते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसका देखना है, इस नमक डाल के इसको ठीक करना है, और इसका जो है पीएच बैलेंस भी बराबर करना है। एक ही बात याद रखिए कि जब हम नमक डाल के इसको ठीक करते हैं ना, तो हमें मिक्सिंग में टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, ताकि ये नमक जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है मिक्स होने में, पानी में मेल्ट होने में। तो हमें अच्छी तरह उसको मिक्स करना है, ठीक है। ये देखिए, ठीक होना शुरू हो गया। माइक मेरा बंद हो जाता है बीच बीच में, पता नहीं क्या मसला है, इसको दिखाते हैं सुबह इंशाल्लाह। ये देखें, फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाला और इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। नमक अभी नीचे मुझे बैठा हुआ नज़र आ रहा है, जब तक वो प्रॉपर मिक्स नहीं होगा हमारा असल मकसद हमें मिल नहीं सकेगा जो हम चाहते हैं, ठीक है ना जी। गौर से देखिएगा, ये देखें नमक, जैसे जैसे नमक मेल्ट हो रहा है, हल हो रहा है नमक, तो उस तरह ये ठीक होता जा रहा है, ठीक है ना जी। मैंने वही कहा कि जब तक हम प्रॉपर इसको मिक्स नहीं करेंगे, नमक को प्रॉपर हल नहीं करेंगे, हमारा मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। ये देखें दोस्तों, ये ठीक होना शुरू हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ठीक करेंगे हम, थोड़ा सा नमक और डालेंगे, और इसको वैसे ही हमने मिक्स करते रहना। मिक्स होगा तो हमारी असल चीज़, हमारी असल जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिलेगी। ये देखिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मिक्स हो गया, और इसका जो है झाग झाग वो 2-3 घंटों में बैठेगी। ये देखिए, मुकम्मल ट्रांसपेरेंट, बेहतरीन। ये देखिए, ठीक है। अब हमने इसका पीएच लेवल चेक करना है और उसको ठीक करना है। ये कॉपी है जी, पीएच लेवल ऊपर लिखा हुआ पीएच,
इससे हमने एक पेपर लेना है, उसको फाड़ लेना है, इसमें से हम थोड़ा सा लिक्विड लेंगे और ले के हम इसको टच करते हैं जी। ये देखें, इस वक्त पीएच इसका जा रहा है 17 पे, ठीक है जी। अब इसको हमने नीचे लेके आना है, सल्फ्यूरिक एसिड पकड़ाना। ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई 5 ग्राम हम इसमें डालेंगे, ठीक है जी। 4-5 ग्राम हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला है और इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। घबराना नहीं है, आपने करते जाना है, इंशाल्लाह लजीज ये सेट होगा। अच्छा जी, ये देख ले, ये जिस तरह मैंने सुन लें दोबारा, पानी था 1 किलो और सल्फ्यूरिक एसिड 50 ग्राम, शैम्पू पे सॉरी 50 ग्राम था, सल्फ्यूरिक एसिड 30 ग्राम था, 30 ग्राम था अपना कोको बुटाइन और 1 ग्राम भी नहीं था, थोड़ा सा कलर था, 2-3 ग्राम खुशबू थी, ठीक है जी। उसमें उस पर कास्टिक डाल के, तो हमने थोड़ी सी कास्टिक डाल के एक ग्राम कास्टिक डाल के नमक के साथ ठीक किया था, ठीक है जी। उसके बाद हमने अब इसका पीएच लेवल जो है वो चेक करना है, तो देखते हैं मिक्सिंग की है हमने काफ़ी ज़्यादा इसकी, पहले थिकनेस देख रहे हैं जी, ये देखें बेहतरीन थिकनेस है। और अब हम पीएच लेवल इसका चेक करते हैं, ये इसका पीएच लेवल हमने चेक करना है जी। एक सेकंड में ग्लासेस लगा लूँ ज़रा, ये 7 पीएच है जी, पूरा 7, ठीक है जी। गौर से देख रहे हैं, 7 और 8 के दरमियान कह सकते हैं, लेकिन 7 मुझे तो 7 लग रहा है, आप लोग खुद चेक कर लें, 7-8 के दरमियान है, बेहतरीन है ये पीएच। और ये वो ही एपिसोड था जो पुराना था, जो जिसमें आवाज़ नहीं आ रही थी आपको, अब माइक चल रहे हैं, अच्छा आवाज़ नहीं आ रही थी जिसमें आपको, ये वही एपिसोड हमने दोबारा रिपीट किया है, उम्मीद है आप इससे सीख जाएंगे इंशाल्लाह, ना सीखे तो पूछ लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा, मैसेंजर कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, जो मर्ज़ी कर लीजिएगा। सीखने से आता है, करने से आता है, करने वाले बने, अल्लाह हम सबको कामयाब करें, हमने मेहनत करके अल्लाह पे छोड़ देना, बाकी अल्लाह के काम है, अल्लाह ही करते हैं, अल्लाह ही करने वाले हैं, और अल्लाह ही के करने से होता है। 1 रुपया फी पैकेट फी बोतल कम से कम रखें अल्लाह के रास्ते के लिए, और उसको खैरात करें, मस्जिद में दे दें, जैसे मर्जी जिस तरह दिल करेगा आपका, आप कर सकते हैं। हम सब का, हमने मेहनत करनी है सब ने, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए। यार आपको नहीं पता गुरबत क्या चीज़ है, आपको नहीं पता रोटी क्या चीज़ है, आपको नहीं पता ज़रूरतें क्या चीज़ हैं। आजकल तो बिजली के बिल मान रही है जी, ठीक है जी, आटा चीनी हर चीज़ महंगी मिल जा रही है। दुआ करें अल्लाह पाक हम पर सब पर रहमतें करें और मेहनत करें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज फायदा।